चलिए जी, अब 18th क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसे ध्यान से देखते हैं। स्टेटमेंट है, इफ़ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज एन पी प्लस 1/2 n इंटू एन माइनस 1 q। ये हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स दी गई हैं, तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम एस एन इज इक्वल टू एन पी प्लस 1/2 n इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू। ये गिवन है हमारे पास। अब लिखेंगे लेट ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन टिल ए एन बी द ए देन। अब ध्यान से देखिएगा, एस एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस सो ऑन टिल प्लस ए एन इज इक्वल टू एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू। सो अब देखिए एस वन क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म आर इक्वल। तो एस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी हमें ये इक्वेशन दी गई है इसमें एन की जगह पे हम 1 पुट कर लेंगे, तो 1 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू। तो ये सारा कुछ तो ज़ीरो ही हो गया, तो इज इक्वल टू पी आ गया हमारे पास। एस वन और ए वन ये दोनों पी आ गए हैं हमारे पास। अब देखिए अगर हमें एस टू निकालना है तो एस टू क्या होगा। वैसे तो एस टू होता है ए वन प्लस ए टू, और अगर S2 वैसे निकालना है तो इक्वेशन में n की जगह पे 2 की वैल्यू पुट करनी है, तो 2p प्लस 1/2 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू क्यू। तो अब देखिए ये 2 और ये 2 तो गया क्योंकि मल्टीप्लाई लगा हुआ था। अब आ जाएगा 2p प्लस 2 माइनस 1 1 क्यू आ जाएगा। ये S2 आ गया है, और हमें पता है ए टू इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन होता है, वी नो दैट। ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1 एंड ए टू आ जाएगा एस टू माइनस एस 1। हमारे पास एस वन क्या आया था, एस वन पी था, और एस टू क्या है, 2p प्लस क्यू है। तो यहाँ लिखूँगा मैं 2p प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आ जाएगा। एंड वी वेरी वेल नो दैट डी इज इक्वल टू वी नो दैट डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है, पी प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू क्यू। दैट्स द आंसर। इट वॉज सच एन ईजी क्वेश्चन। देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है पर आसान है और मज़ा भी आया है। सो सिंपली डी इज इक्वल टू क्यू हो गया, देयर फोर द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। चलिए चलते हैं अब और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। उसने बोला है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट रिजल्टेंट सीक्वेंस इज एन ए पी। तो 3 और 24 के बीच में 6 नंबर्स ऐसे डालने हैं हमें कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बन जाए वो ए पी बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव एंड ए सिक्स बी द 6 नंबर्स टू बी इंसर्टेड बिटवीन 3 and 24। देयर फोर 3 ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव एंड ए सिक्स। अब आप ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारे पास, 8। देयर फोर या सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि n बन जाएगा हमारे पास वो कितना है, 8। अब इसका मतलब क्या है, 24 इज द लास्ट टर्म। अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर 24 लास्ट टर्म है तो ए एन इज इक्वल टू 24 हो जाएगा।
विच इम्प्लाइज टू a8 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। लास्ट टर्म है, यहाँ हम लिख भी सकते हैं। आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए ही मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। हमें ए 8 देखना है, तो ए क्या है, 3 प्लस 8 माइनस 1 इन टू डी। डी मुझे पता नहीं है, 8 कितना है, 24। अभी बात करके आए हैं हम, 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 7d। सो डी इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 आ गया है। अब देखिए ध्यान से कि जो हमने इंसर्ट की थी टर्म a1 विच वॉज द सेकेंड टर्म, तो देखिए देयर फोर ए वन इज इक्वल टू 3 प्लस डी, जो कि आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ए टू क्या आ जाएगा अब हमारे पास, ए वन प्लस डी, जो कि आएगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ए थ्री क्या आ जाएगा हमारे पास, ए टू प्लस डी इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। एंड ए फोर क्या आएगा, ए थ्री प्लस डी इज इक्वल टू 15, यानी 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। ए फाइव क्या आएगा, ए फोर प्लस डी इज इक्वल टू 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। एंड ए सिक्स क्या आएगा, ए फाइव प्लस डी इज इक्वल टू 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21। देयरफोर द रिजल्टेंट सीक्वेंस, जो कि 3 6 9 12 15 18 21 24 इज एन ए पी। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड डूइंग द क्वेश्चन, और बड़ा ही आसान था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो बिटवीन इज द की वर्ड, ठीक है, फ्रॉम नहीं बोला गया, बिटवीन बोला गया है। तो 100 एंड 1000 के बीच में, सो सीरीज बनेगी हमारे पास 105, 110, सो ऑन टिल 995। इसमें आप देख सकते हैं कि ए हमारे पास हो जाएगा 105, डी हमारे पास हो जाएगा 5। मैंने पहले भी बताया था कि जो मल्टीपल हो या बोला हो कि डिवाइड करते हैं या कुछ भी कॉमन नंबर दिया होता है, तो वो कॉमन डिफरेंस में चला जाता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ए टू माइनस ए वन, यानी 110 माइनस 105 इज इक्वल टू 5 आएगा। अब हमें सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एस एन ढूंढना है। एस एन ढूंढने के लिए हमें एन ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ए एन आ जाएगा 995। वी नो दैट क्या है हमारे पास ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो इट इम्प्लाइज टू 995 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस वन इन टू 5। ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 995 माइनस 105 अपॉन 5। सॉल्व कर लेते हैं इसे, और n इज इक्वल टू 890 अपॉन 5 प्लस 1, जो बन जाएगा 178 प्लस 1 179। देखिए n आ गया और हमारा काम बहुत आसान हो गया है। अब हम लिख सकते हैं, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस ए एन, क्योंकि एन ही लाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे पास। तो एस एन लेके आते हैं, 179 अपॉन टू, ए क्या है हमारे पास 105 प्लस ए एन क्या है 995। वैदिक मैथ्स लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1100। अब मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद डिवाइड करेंगे। देखिए
नॉर्मली क्या किया जाता है कि 2 से 1100 को डिवाइड किया जाता है और उसके बाद 550 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। बट आई वुड रेकमेंड दी अदर वे, पहले आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, दो जीरोज लगाइए जो कि आसान है, उसके बाद 2 से डिवाइड कीजिएगा, टाइम भी कम लगेगा और एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहेगी। 11 9 ज़ा 99, 9 रिमाइंडर आ गया। 11 7 ज़ा 77 प्लस 9 86, 8 आ गया। 11 1 ज़ा 11 प्लस 8 19। अब डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, देखिए 9 8 4 5 0, सो दैट इज़ दी आंसर। वॉजेंट इट इजी? वेरी इजी आई थिंक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।